बच्चों, घनमूल टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कक्षा 8 से लेकर के अन्य सभी कक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है घनमूल निकालना। तो आज किसी भी संख्या का घनमूल निकालना आप शॉर्ट ट्रिक से सीख जाएंगे। आइए आपके सामने देखिए, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना है क्या है? ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब करिए, 6×6=216, तो लास्ट में कितना आता है? 6 आता है। तो ये तीन संख्याओं के लिए आपने लिख दिया कि इकाई 6 रहेगा। अब क्या करना है, 4 को ध्यान से देखिए, किसका घन 4 के बराबर है या इससे छोटा है? तो 4 के बराबर या इससे छोटा, तो 1 का घन जो होगा 4 के बराबर तो नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, हमेशा छोटा देखना है। तो यहाँ 1 लिख देना, उत्तर तुम्हारा आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं।